गुप्ता जी, क्या कुछ आप मॉडलिंग के बारे में कहना चाहेंगी, क्या कुछ सीखा है अभी तक? हाँ, मॉडलिंग के बारे में ये कहना चाहूँगी कि लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि हर कोई मॉडलिंग नहीं कर सकता, या मॉडलिंग करने में उम्र को ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि अगर इच्छा है मॉडलिंग की, तो चाहे उम्र कोई भी हो, उसमें आपको आगे आना चाहिए। मॉडलिंग में मैंने ये सीखा है कि आप अपने पर्सनालिटी को खुद से इन्हेंस करिए, और खुद से आप ये सोचिए कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और खुद से आप ये सोचिए कि आप कितने खूबसूरत हैं। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे, तो अपने आप ही आप और कॉन्फिडेंस होते जाएंगे, और आपकी सुंदरता दिन पर दिन निखरती चली जाएगी। जैसा कि नॉर्थ इंडिया 2019 में आप रही हैं, आपका शुरुआत किया, सफल भी रही हैं, तो कैसा फील हुआ, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे मुझे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, जो इनका मेन मकसद है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, तो उसमें हमें ये बताया गया कि 40 के बाद की उम्र की महिलाओं को एक तो एवरी ईयर उनको चेकअप के लिए जाना चाहिए, हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है। किस तरह से वो घर पर ही अपने आप को टेस्ट कर सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ये सब कुछ मुझे वहाँ सीखने को मिला। क्या कुछ अब आप कहना चाहेंगी आने वाली पीढ़ी के लिए मॉडलिंग? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनको भी मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, वो ज़रूर जाएं। बहुत ही अच्छा, बहुत सेफ है, और ये सिर्फ लोगों का कहना है कि ये गलत जगह है, और यहाँ सब कुछ गलत नहीं होता, कोई ऐसा, ये सिर्फ आपको लगता है, ये कुछ लोगों द्वारा फैलाया जाता है सिर्फ, और ऐसा होता नहीं। मैं बहुत ही सेफ फील कर रही थी वहाँ पे, बिल्कुल घर जैसा माहौल, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं। 5-स्टार होटल में हम वहाँ 4 दिन हमने स्पेंड किए रेडिसन ब्लू में, और बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ तक आप पहुँची हैं, इसमें आपकी फैमिली का क्या योगदान रहा? इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान था। मुझे लगता है मेरी सासू माँ का सबसे ज़्यादा योगदान था, क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी, मेरे पति ने तो पहले मुझे नहीं पसंद किया, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, आप बताओ कि आपको पसंद है कि नहीं। उस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस जो मैं आज हूँ, वो मेरी सासू माँ की वजह से है। फिर शादी के बाद हमेशा मेरे पति ने मुझे प्रोत्साहित कर, वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते चले गए, तो मुझे लगता है कि ये सब जो इतना मैं आज सीख रही हूँ या आगे बढ़ रही हूँ, वो मेरे फैमिली का सपोर्ट है, और बचपन में भी जो मेरा बेस है हमेशा कुछ सीखते रहने का, ये सब मेरे मम्मी पापा ने इस तरह मुझे माहौल दिया, सेफ माहौल मिला मुझे, और हमेशा प्रोत्साहन मिलता चला गया। मुझे अस्थमा भी था बचपन में, मुझे अस्थमा था, और मुझे हमेशा कहा जाता था तुम ये मत करो, तुम ऐसे नहीं दौड़ नहीं सकती, तुम तैर नहीं सकती, तुम्हारे सांस फूलने लगेगा। लेकिन मेरी इच्छा होती थी मैं रन करूं, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो रनिंग हो, चाहे रेसिंग हो, कुछ भी हो, मेरी इच्छा होती थी पार्टिसिपेट करने की, और मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि नहीं तुम कर सकती हो, करो। तो मैंने कभी भी अपनी इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, और मैं मेरी जो इच्छा करती गई, मैं अपना करती चली गई। क्या कुछ कहना चाहेंगी जो अभी तक आप जो है पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी बात? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अस्थमा पीड़ित हैं, तो उनको इन्हेलर ज़रूर लेना चाहिए। इन्हेलर बहुत ही सेफ है, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेडिसिन आपकी पूरी बॉडी में जाएगा, और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और अस्थमा पेशेंट के लिए सबसे अच्छा इन्हेलर होता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं कहना चाहूँगी कि 40 ईयर अबव हैं, तो आप एवरी ईयर हेल्थ चेकअप के लिए जाएं, और ये आपके अपने लिए है, अपने इससे प्यार करिए। आप फैमिली को तो देखिए, लेकिन पहले अपने आप को भी रखिए, तो जब आप स्वस्थ रहेंगे, तो तभी आप अपने फैमिली को स्वस्थ कर पाएंगे। और दहेज के लिए मैं कहूँगी कि दहेज ना ले ना दे, इस प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करिए। इस ये बहुत ही बड़ी सामाजिक कुरीति है, जो बहुत सारी कुरीतियों की एक वजह है। तो अगर हम दहेज प्रथा को बंद करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे भ्रूण हत्या और लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता जाएगा, उनको कहीं रोक टोक नहीं होगी, वो भी सामान्य ज़िंदगी जी सकती हैं। थैंक यू।